वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था 1985 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इसके लिए, तो यहाँ पर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको लेके जो भी MCQs बनते हैं वैक्सीनेशन को लेके, वो इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। तो ये गाइज पीडियाट्रिक का जो हमने BNS 042 का ब्लॉक नंबर 4th, जिसमें हम पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम 4 यूनिट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा कि जो एसेंशियल केयर क्या चाहिए न्यूबॉर्न के लिए। सेकंड में पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो जिनको हमें मैनेज करना है। थर्ड में हमने पढ़ा IMNCI, एंड फोर्थ में हमने पढ़ा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इट्स अ लास्ट एंड 5th यूनिट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 1985 में। और इसके बाद किसका पार्ट बना? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम जो 1992 में लॉन्च किया गया था, उसका पार्ट बना। तो अभी इसको है जो कंटिन्यूसली चल रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1st है वो है MMR वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ। तो जनरली जो मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन है कब दी जाती है? दी जाती है 9 से 12 महीने की एज में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो जनरली ये 9 मंथ में दी जाती है। तो यहाँ पर कब दी जाती है? 9 से 12 महीने की एज में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ MMR वैक्सीन। तो मीजल मम्स रूबेला किस टाइप की वैक्सीन है? लाइव वायरल वैक्सीन। नेक्स्ट इज द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्मॉल पॉक्स का इंडिया में लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था। तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था 1975 में। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन नोन टू हैव एड्स। कौन सी वैक्सीन उस बच्चे को एडमिनिस्टर नहीं की जाएगी यदि पता हो कि उस बच्चे में एड्स की कंडीशन है? तो वो होगी BCG वैक्सीन। जिस बच्चे में HIV/AIDS की कंडीशन यदि पता चल चुकी है तो उसके लिए है जो BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज, इट्स नोन एज द कोल्ड चेन। इसको कोल्ड चेन क्यों कहा गया है? कि जो स्टोरिंग जो वैक्सीन है स्टोर की जा रही है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पर, जितने टेम्परेचर की ज़रूरत है उन वैक्सीन्स को सही रखने के लिए, और फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके जिस पॉइंट तक उनको यूज़ किया जाना है, जिस हॉस्पिटल तक यूज़ होना है, तो वहाँ तक सही सलामत उनको पहुँचाना, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? कहलाता है कोल्ड चेन। नेक्स्ट इज BCG वैक्सीन इज गिवन एट। तो BCG वैक्सीन जो ट्यूबर क्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, इंट्रा डर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट इज द डायल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG इज। तो BCG वैक्सीन को जो यूज़ करने वाला डायल्यूएंट है वो क्या है? उसको नॉर्मल सलाइन से भी हम डायल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग BCG वैक्सीन स्कार गेट फॉर्मड इन। तो BCG वैक्सीन एट द बर्थ एडमिनिस्टर की जाती है, तो उसको देने के बाद जो स्कार है वो कब तक कब बनना स्टार्ट होगा? तो वो होगा 6 से 12 वीक की एज में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ BCG वैक्सीन इज। तो BCG वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट इज OPV वाज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। तो ओरल पोलियो जो वैक्सीन है इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया गया था? तो ऐड हुआ था 1979 में, 1979 में। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो पोलियो वैक्सीन है जो लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से है जो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लॉन्च द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन। तो इंडिया में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 1995 में। ये क्वेश्चन कई बार आए, एक तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, और इसके बाद इसको कब है जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM में जो इंक्लूड किया गया था, तो 1992 में इसमें इंक्लूड किया गया था। इसके बाद आता है पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को है जो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? 1995 में, दिसंबर 1995 में। नेक्स्ट इज पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज। तो एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी होती है पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन। तो पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन को साल्क वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉज लॉन्च इन इंडिया इज द ईयर। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च किया गया था? हुआ था 1978 में, 1978 में।
नेक्स्ट है फॉर चिल्ड्रन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर इन द, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो चिल्ड्रंस में बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो कहाँ पर एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो होते हैं यानी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट है ऑल वैक्सीन सेट इन पीएचसी लेवल इज स्टोर्ड इन, तो पीएचसी लेवल पर जो वैक्सीन स्टोर की जाती हैं तो वो किस लेवल पर की जाती हैं, तो ये होती हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखी जाती हैं। नेक्स्ट है बीसीजी इफ नॉट एडमिनिस्टर अर्लियर कैन बी गिवन अप टू, तो बीसीजी वैक्सीन यदि एट द बर्थ नहीं दे पाए तो कब तक दी जा सकती है, ओनली एक साल तक की एज तक ही दे सकते हो, उसके बाद यदि इवन नहीं भी दी गई हो तब भी आप उसको नहीं दे सकते उस बच्चे को। बट बीसीजी वैक्सीन की जो एज लिमिट है जनरली एट द बर्थ दी जाती है, बट यदि नहीं दी गई है इन केस किसी भी केस से तो एक साल तक की एज के अंदर दी जा सकती है 12 मंथ तक। नेक्स्ट इज द वॉक इन फ्रीजर्स मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ, तो फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस तक, -2 डिग्री सेल्सियस तक। तो गाइज ये थे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमने अभी तक जो 5 यूनिट पढ़ी है पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की इस CHO की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो ये हो गया ब्लॉक नंबर 4th, BNS 042 का ब्लॉक 4th कंप्लीट होता है इस यूनिट के साथ। हम पढ़ेंगे BNS 042 का ब्लॉक 5th जिसमें कॉमन सर्जिकल कंडीशंस पढ़नी है हमें। तो गाइस आप लोग जो भी लोग चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वैकेंसी सभी चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक ऐप लॉन्च करने वाली हूँ मैं, तो उस पर मैंने अभी तक जो भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं आपके लिए उन सभी की PDF और वर्ड में जो भी टाइप किया है मैंने सभी डेटा आपको उसमें मिलेगा। सो आई होप आप चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।